अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके के नगला पदम में एक शराबी पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मायके पक्ष के परिवार अनुसार शराबी पति अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट किया करता था। परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 साल पहले भी पति द्वारा पत्नी पर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पति को समझा दिया गया था, लेकिन बीते दिन शराब के नशे में पति ने सनसनीखेज मामले को अंजाम दिया और शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी लता संग बेरहमी से मारपीट करते हुए साड़ी के पल्लू से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं इसकी सारी जानकारी ससुराल पक्ष के परिवार के किसी सदस्य ने लड़की पक्ष के परिवार को दी। सूचना मिलते ही परिवार आनंद फनन में बेटी के घर पहुंचा तो देखा बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। ये देख परिवार के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्यवाही करते हुए शराबी पति को गिरफ्तार कर लिया। ये आज मृत्यु हुई है, कौन है आपकी लड़की? क्या नाम है इनका? लता। कितनी उम्र होगी इनकी? 40। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ में? फांसी लगाई होती थी। किसने? उदय। कौन है? दामाद ने। अच्छा, मारने का इनका कारण क्या था, ये क्यों मारा इनको? शराब पिए थे दिन रात, होटल के नशा करते थे। हाँ, 3 महीने 4 महीने काम पड़ी करी करते ना। अच्छा, तो इनको मार दिया। इनको पहले भी कभी इनके साथ में कोई घटना को अंजाम दिया था क्या? पहले आग लगाई थी। कितने साल पहले? 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले जल गई थी। तो उसमें शिकायत करी थी पहले भी पुलिस को? हाँ करी। फिर इलाज कराए दो फिर। अच्छा, अच्छा, किसने कराया था ट्रीटमेंट वगैरह? घर वालों ने कराया था। अब क्या हो गया लड़की के साथ में? अब कब मारा था उसको? कल रात में फांसी लगा मार दिया था। पुलिस को इतला दे दी थी आपने? अच्छा, अब कहाँ पर आए हुए हो? अब कहाँ पर आए हुए हो? आप कहाँ आए हुए हो? पोस्टमार्टम पे आए हुए हो आप? लड़की अलीगढ़ में पोस्टमार्टम पे आई हुई है ना बॉडी? अच्छा, तो इसमें लिखा शिकायत वगैरह करी आपने? माइक नहीं चकर भाई कर दे। तो पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है क्या, पकड़ा है किस लड़के को? पकड़ लिया है पुलिस ने? अच्छा, क्या नाम है आपका? मनवीर। कहाँ के रहने वाले आप? और बेटी कहाँ की है आपकी? थाना कौन सा लगता है? सिकंदराव। शादी कहाँ हुई है लड़की की? मारा कहाँ है लड़की को? नगला पदम। कहाँ का थाना लगता है वो? चंडौस। ठीक। रंजन नाम है यार। ये कौन थी? मेरी बहन थी। क्या नाम था? लता। वो क्या घटना जो हुई? घटना का साड़ी से फांसी दे दी इसने शराब पी के। किसने? उदय सिंह। कौन है उदय सिंह? बहन हुई। यानी कि इनके पति ने? हाँ। क्यों? रोज आए दिन लड़ता था दारू पी के। इनके दारू पी के पहले भी कोई विवाद रहता हुआ? हाँ, पहले आग लगा दी थी। कारण क्या रहता था? कारण यही है कि कुछ करता नहीं था, काम करता ना, और दारू भी लगी पी था। सुबह से शाम तक दारू पीता था। आज क्या करे? आज भी उसी तरीके से जैसे पहले करे, 3 महीने से दारू पी रहा लगा था। इनको ये जलाया था, वो कितना समय हो गया इनको जलाया? 5 साल। 5 साल में तो आपने शिकायत करी थी उस दौरान? हाँ, शिकायत ही करी। तो इलाज में लगाई नहीं, 5-6 लाख रुपया। तो आपको कैसे पता लगा है? अब फोन करा इसकी भतीजी ने, उदय की ने, ऐसे ऐसे लता खत्म हो गई। फिर जब फोन मिलाया तो फिर फोन उठाया नहीं किसी ने, घर वाले ने। अब कहाँ पर आए हुए हैं आप? अलीगढ़ मोर शरीफ। हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, पुलिस को लिखा शिकायत दी है कुछ? हाँ, रिपोर्ट करे आए हम तक। कौन सी जगह का मामला है ये? नगला पदम थाना चंडौस। अच्छा, कहाँ से शादी करी थी, कब शादी करी थी? शादी डंडे सरी से करी थी। किसके साथ शादी करी थी? उदय। उदय उर्फ करू। उनके कोई बच्चे वगैरह भी हैं क्या? एक लड़की है। ससुराल कहाँ की? कहाँ की? डंडे सरी। थाना कौन सा? सिकंदराव। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।